यदि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जहां चाह वह राह की तर्ज पर इंदौर की नेहा फतेह चंदानी ने वो कर दिखाया है जो आज की लड़कियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। इसी साल वुमेंस डे पर चेन्नई में यंग अचीवर अवार्ड मिलने के बाद इंदौर लौटी नेहा ने मीडिया से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वो आने वाले दिनों में एक अच्छी फीमेल मोटिवेटर बनना चाहती है ताकि वो कई और जिंदगियों को रोशन कर सके। कि जो चीज़ मैं चाह रही थी मुझे मिली तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं मिली तो बाद में पता चला कि वो बहुत अच्छा हुआ। तो ये एक एटीट्यूड कैरी करना चाहिए। एक रिजेक्शन आपकी लाइफ चेंज नहीं करता है, वो एक छोटा सा रिजेक्शन है, वो नहीं तो कुछ और मिलेगा, हो सकता है उससे बेटर मिलेगा। मैंने काफ़ी फील्ड्स एक्सप्लोर करी, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, CA CS, और फिर ट्रेनिंग। जैसे ही मैंने ट्रेनिंग दी, मेरा फर्स्ट सेशन स्टूडेंट्स के साथ था, वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ बस यही एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं अपने लाइफ पूरी बिता सकती हूँ। अंदर की एक आप बोल सकते हो आवाज़ आई, और मुझे आज भी नहीं लगता कि मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ। मतलब इट्स लाइक जो मेरा मन है, जो अदरवाइज भी मैं अपना डे स्पेंड कर रही, मैं वैसे ही कर रही हूँ, बहुत मज़ा आता है। साथ ही उन्होंने अपने इस अचीवर अवार्ड को आज की नारी के लिए एक प्रेरणा बताया और जीवन में ऊंची उड़ान के लिए पंखों के बजाय हौसला होने की बात कही। जर्नी में काफ़ी चैलेंजेस आए, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन हर ऑब्स्टिकल के साथ ये लगा कि आगे कुछ बेहतर है, और शायद इसीलिए वो बेहतर होता गया। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि इनिशियली आपके करियर के ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्रूशियल हैं। ऐसी चीज़ में जाएं, ऐसे करियर पाथ को चूज़ करें जो आपकी पर्सनालिटी के साथ रेजोनेट करे, जो आपको लगे कि हाँ यही चीज़ है जिसमें मैं अपना नेक्स्ट 40, 50, 60 ईयर्स स्पेंड कर सकता हूँ। इसीलिए वो काम मत करिए क्योंकि आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, बट इसीलिए करिए क्योंकि वो आपको करना है। अपने जीवन में आई कठिनाइयों को एक सबक और सीख बताते हुए नेहा ने आज की नारी को सशक्त और काबिल करार दिया। कुल मिलाकर आज की नारी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और हर मंजिल को छूने के लिए सक्षम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।